हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्ट कॉइन्स के बारे में। एल्ट कॉइन्स यानी क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन से अलग हैं। ये बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उन्हें हम एल्ट कॉइन कहते हैं। इन कॉइन्स को बिटकॉइन के बाद क्रिएट किया गया था और ये अपने आप को एक प्रीमियम क्रिप्टो करेंसी से एक बेटर अल्टरनेटिव प्रेजेंट करती हैं। करीब 5000 से ज़्यादा एल्ट कॉइन करंटली मार्केट में हैं और इन एल्ट कॉइन्स को ब्रॉडली हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: स्टेबल कॉइन्स, माइनिंग बेस्ड कॉइन्स, सिक्योरिटी टोकन्स एंड यूटिलिटी टोकन्स। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। क्रिप्टो करेंसीज को जाना जाता है कि वो बहुत फ्लक्चुएट करती हैं और इसी वोलेटिलिटी में एक स्टेबिलिटी बनाई जाती है स्टेबल कॉइन्स के द्वारा। ऐसा किया जाता है बाय बेसिंग देयर वैल्यूज ऑन गुड्स लाइक फायट करेंसीज, प्रेशियस मेटल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेबल कॉइन्स जिन्हें $US के साथ पैक किया गया है लाइक TrueUSD, USDC एंड Binance USD एटसेट्रा। कोई भी हाई फ्लक्चुएशन वैल्यूज को इश्योर द्वारा करेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए स्टेबल कॉइन को इन्वेस्टिंग के लिए कम यूज किया जाता है। ज्यादातर इनका यूज स्टोरिंग एंड मनी ट्रांसफरिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है माइनिंग बेस्ड कॉइन्स। इस तरह के कॉइन्स को क्रिएट करने के लिए माइन किया जाता है, मतलब सिस्टम्स नए कॉइन्स जनरेट कर सकती है बाय सॉल्विंग इक्वेशंस टू वेरीफाई एंड क्रिएटिंग ब्लॉक्स। 2020 में आए बहुत सारे कॉइन्स इसी क्लास के आए थे, फॉर एग्जाम्पल लाइटकॉइन एंड Zcash। उसके बाद है सिक्योरिटी टोकन्स। ये रिजेंबल करते हैं किसी ट्रेडिशनल स्टॉक के साथ। सिक्योरिटी टोकन्स प्रोवाइड करते हैं इक्विटी इन फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ द कॉइन्स और बाय गिविंग पे आउट्स टू द शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमैथ, स्वॉर्म एटसेट्रा। नेक्स्ट है यूटिलिटी टोकन्स। जैसे इसके नाम ही बताता है, यूटिलिटी टोकन्स को यूज किया जाता है सर्विस को एक नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड करने के लिए। ये यूजर्स को फ्यूचर प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सेस देते हैं। बेसिक अटेंशन टोकन एंड फनफेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूटिलिटी टोकन्स। दोस्तों, ऊपर मेंशन किए गए एल्ट कॉइन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या एल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि एल्ट कॉइन्स का लो यूजर बेस है कंपेयर टू द जायंट बिटकॉइन, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इसमें एडवांटेजेस भी हैं। बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करते हैं क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी इतने सालों की एक्टिविटी के बाद ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। यहीं पे एल्ट कॉइन्स उन्हें एक मौका देती हैं फ्रेश स्टार्ट करने का। इस स्पेस में न्यू इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी इन्वेस्टर्स को पैसे बनाने के लिए और रास्ते खोल देती है। एल्ट कॉइन्स अटेम्प्ट कर रहे हैं बिटकॉइन से बेटर बनने के लिए बाय एम्प्लॉइंग बेटर ट्रांजेक्शन सिस्टम टू इंक्रीज स्पीड एंड डिक्रीज कॉस्ट, प्रोवाइड बेटर प्राइवेसी एटसेट्रा। यानी कि भले ही बिटकॉइन बहुत बड़ा बन चुका हो, एल्ट कॉइन्स भी क्रिप्टो स्पेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जस्ट लाइक सिल्वर इन कंपैरिजन टू गोल्ड। अगर हम बात करें एथीरियम की, जो बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे आता है और सबसे बड़ा एल्ट कॉइन है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, वो ऑलरेडी बिटकॉइन के कंपैरिजन में कई चीज़ों में बेटर है, जैसे डेटा स्टोरेज, मैनेजिंग आइडेंटिटीज, क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन, फास्टर ट्रांजेक्शन स्पीड एटसेट्रा। इसमें बस एक फ्लॉ है कि ये बिटकॉइन के कंपैरिजन में कम पॉपुलर हैं और ये बाद में आए हैं। अगर आप एल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसी एल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप अंडरस्टैंड एंड जिसमें बिलीव करते हैं। आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा एल्ट कॉइन वर्थ हो सकता है बेस्ड ऑन सर्विस दे प्रोवाइड विच यू बिलीव इज यूनिक एंड रेवोल्यूशनरी। और अगर सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हैं तो आप टॉप 5 एल्ट कॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप भी बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में ईजिली इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो आप CoinDCX के थ्रू कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया में डेवलप हुआ है, जो देश का सेफेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है, जो प्रॉपर्ली क्वालिटी चेक क्रिप्टो लिस्ट करता है। CoinDCX ऐप एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ताकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग आसान हो। सिर्फ बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है और KYC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आप INR 100 डिपॉजिट कर सकते हैं और सिर्फ 10 रुपीज़ से आप क्रिप्टो बाई कर सकते हैं एंड 24/7 फंड्स डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। इतने फीचर्स के बाद आप सोचेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या, तो आपके सारे पैसे CoinDCX में सेफ एंड इंश्योर्ड रहते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर भी है, जैसे 2FA, विड्रॉल पासवर्ड फीचर, और ये प्लेटफॉर्म ISO सर्टिफाइड है जो सारे नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे कि KYC एंड AML प्रोसीजर्स। बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग एंड होल्डिंग क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैजंट पास्ड एनी लॉ ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन नाउ, सो बाइंग एंड सेलिंग इज कम्प्लीटली लीगल। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो नो इश्यूज, इसका भी सॉल्यूशन है CoinDCX के पास। इन्होंने CoinDCX लर्न नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो फ्री एजुकेशन पोर्टल है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन के बारे में सिखाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप CoinDCX डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करते वक्त आप बेसिक 100 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ वर्थ के बिटकॉइन मिलेंगे बिल्कुल फ्री। CoinDCX पे ऑफर भी चल रहा है जहाँ 50 लाख के पूल में से बिटकॉइन जीत सकते हैं, वो भी हर रोज़। तो इन्वेस्ट करो CoinDCX पे क्योंकि फ्यूचर यही है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।